हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज है जैसे दीपावली, इसको हम बूढ़ी दीपावली भी कहते हैं। और आज जो है मैं ब्लॉग में यही दिखाती हूँ कि हम बूढ़ी दीपावली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। बूढ़ी दीपावली के दिन सबसे पहले उठकर मैंने अपने लिए चाय बनाई, क्योंकि उस दिन मौसम बहुत ठंडा था। चाय का कलर देख के मज़ा आ गया। बनने के बाद मैंने चाय को सुम्मी के लिए और अपने लिए एक एक कप में रखा और फिर चाय पी। चाय पीने के बाद ही तुरंत मैंने ब्रेकफास्ट भी तैयार किया और फिर नहाने चली गई। नहाकर आने के बाद मैंने गुनगुन को अपनी कुछ फ़ोटो खींचने के लिए कहा। फिर उसने मेरी कुछ फ़ोटो खींची और फिर मैं अपने काम करने लगी। उसके बाद घर के कुछ काम करे और फिर नज़दीकी दुकान में चली गई सामान लेने के लिए। मैं सब्जी की दुकान में गई और सब्जी की दुकान में मुझे ना एक छोटा बच्चा मिला जो सब्जी वाले का ही भांजा था। वो बहुत क्यूट और बहुत प्यारा था। मेरे साथ ना जल्दी घुल मिल गया, मेरे साथ खेलने लग गया, मुझे ना चीज़ें देने लग गया तोड़ तोड़ के। फिर मैं भी उसके साथ खूब खेलने लग गई। खेलते वो मेरे साथ ना बहुत घुल मिल गया। मैं भी उसको डरा रही थी, चिढ़ा रही थी, वो ना बहुत इंजॉय कर रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा था। फिर बाद में ना वो मेरे साथ इतना घुल मिल गया कि जब मैं घर आने लग रही थी ना, तो फिर वो ना रोने लग रहा था। तो मैंने उसे बोला कि मेरे पास आ जाओ, तो मेरे पास आया और मेरे साथ ना खेलने लग गया। थोड़ी देर मैं उसके साथ ही खेलती रही, फिर मैंने उसे अपने पास प्यार से बिठाया, तब वो खुश हो गया और फिर उसने मुझे बाय किया। उसके बाद मैं परचून की दुकान में गई, क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाने थे, तो मैं सामान लेने गई और फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने भगवान जी की दिया बत्ती की और भगवान जी ने भी एक दिया जलाया पड़ा था और फिर आरती की। इसके बाद मैंने दिए लगाए और उसमें मेरी मदद गुनगुन ने भी की। उसने बत्ती बनाई और मैंने उनमें तेल डाला। तेल डालने के बाद हमने दियों को जलाया। कुछ उसने जलाए और कुछ छोटे दिए जो है वो मैंने जलाए, क्योंकि वो उनको जला नहीं पा रही थी, तो उसमें जलाने के लिए मैंने मदद की। उसके बाद हम दियों को ना बाहर ले गए बरामदे में लगाने के लिए। हमने दिए बिल्कुल ऐसे ही सजाए थे जैसे हम दीपावली के लिए सजाते हैं। फिर हमने उन दियों को एक एक करके बरामदे में रखा और सीढ़ियों में रखा, घर के कोने कोने में रखा। जहाँ भी अंधेरा था हमने सब जगह दिए लगा दिए। वो दिए गेट के पास भी रखे और दियों से गेट भी बहुत सुंदर हो गया, बरामदा भी बहुत सुंदर लग रहा था, बिल्कुल दीपावली जैसा। हम गढ़वालियों का यह त्यौहार बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि हम इसे बग्वाल कहते हैं और यह त्यौहार दीपावली के 11 दिन बाद आता है। हम उत्तराखंडियों का यह त्यौहार बहुत मेन है और हम इसे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमारा बरामदा और घर लड़ियों से भी बहुत सुंदर लग रहा था। डरता तो खुद रही। फ्रूट के लड्डू बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बादाम, पिस्ता और खजूर लिया। खजूर को मैंने बारीक बारीक काट लिया, खजूर सॉफ्ट होने चाहिए। उसके बाद मैंने काजू लिए, काजू नमकीन थे तो इसलिए मैंने कम मात्रा में लिया। उसके बाद कुछ किशमिश ली और किशमिश को भी बारीक काट लिया। उसके बाद इलायची दाना लिया और उनको भी अच्छे से कूट लिया। इसके बाद मैंने एक पैन लिया और उसे गैस में गरम करने के लिए रख दिया। गरम होने के बाद मैंने उसमें एक चम्मच घी डाला और उसे भी अच्छी तरह गरम होने दिया। उसके बाद मैंने इसमें खजूर डाले जो कि बहुत सॉफ्ट होने चाहिए और फिर उनको अच्छी तरह से घी में मिक्स करना चाहिए। मिक्स हो जाने के बाद खजूर खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगे और वह आपस में खुद ही बाइंड हो जाएंगे। जब वह इस तरह से सॉफ्ट हो जाए तो फिर उनको के निकाल बाद देना मैंने चाहिए। इसी पैन में एक चम्मच घी और डाला
और उसे अच्छी तरह पैन पे लगा दिया। पैन पे लगाने के बाद मैंने इसमें बादाम डाले और बादाम को भी अच्छी तरह हिला दिया। उसके बाद इसमें मैंने डाले काजू और काजू को भी बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। और जब ये अच्छे से मिक्स हो गए तब मैंने तीसरी चीज़ डाली पिस्ता। पिस्ता को भी मैंने अच्छे से हिला दिया और इनको काफ़ी देर तक रोस्ट किया, पर जलने तक नहीं करना चाहिए। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तब हम इनको बाद में निकाल लेंगे और मिक्सर ग्राइंडर में इनको पीस देंगे। मिक्सर ग्राइंडर में ये बारीक हो जाते हैं तो हम इनको काट भी सकते हैं। अब मैंने इनको नीचे उतार दिया और इनको एक प्लेट में ठंडा करने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने खजूर के पेस्ट को दोबारा पैन में रखा और इसे अच्छी तरह से फैला दिया। उसके बाद मैंने ड्राई फ्रूट के मिक्सचर को कुछ मैंने ग्राइंड कर लिया था और कुछ को मैंने कट किया, उनको खजूर के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया और इसमें थोड़ा इलायची पाउडर और किशमिश भी ऐड कर दी थी। और उसके बाद मैंने इसको फिर से अच्छे से मिक्स किया और इसके छोटे छोटे लड्डू बनाने शुरू कर दिए, जो बहुत ईजली बन जा रहे थे और देखने में भी अच्छे थे। फ्रूट के लड्डू बहुत पौष्टिक होते हैं और इनको हमें डेली एक एक लड्डू बच्चों को दूध के साथ देना चाहिए और ख़ुद भी लेना चाहिए। ड्राई फ्रूट के लड्डू विंटर में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये गर्म भी नहीं करते। और इस तरह से मैंने फिर सारे मिक्सचर का लड्डू तैयार कर लिया और जो बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। अगर वैसे ड्राई फ्रूट ना खाए जाए तो इस तरह से लड्डू बना के खाना चाहिए। मेरे सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए और अब मैं बच्चों के साथ पटाखे फोड़ने की तैयारी कर रही हूँ। बच्चों के साथ फुलझड़ियाँ जला गुनगुन ने बरामदे में पूरे पटाखे फैला दिए थे और अभी भी बहुत सारे पटाखे बचे हुए थे और कुछ पटाखे तो हमने भी जलाए बाद में। उसके बाद सुम्मी को एक बुलेट बम पर आग लगाने के लिए कहा और जैसे ही उसने आग लगाया वो भाग के अंदर आ गई और फिर हम सब भी डर के मारे अंदर आ गए और पटाखे की जोर से आवाज़ हुई। कान बंद कर ले। इसके बाद हम सब अंदर आ गए और हमने इस तरह इगास का त्यौहार मनाया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।